नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रसारण में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, और वो दवाएं जो आपको वास्तविक रूप से कारगर रहेंगी और आपका सर्दी के सीज़न में आपको बहुत राहत पहुँचाएंगी। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती क्या है। आज हम लोग केवल रूमेटॉइड की बात करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है, जिसमें कि आपके स्वयं आपके बॉडी के सेल, जो प्रतिरोधक क्षमता के सेल WBC होते हैं, वो स्वयं में जो है वो आपकी कार्टिलेज पे हमला बोल देते हैं, साइनोवियम पे जो फ्लूइड होता है जोड़ों के बीच में, उसमें हमला बोल देते हैं, जिसके कारण जो साइनोवियम मेम्ब्रेन होती है उसमें सूजन आ जाती है। जब यह सूजन आ जाती है, इसी स्थिति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। साथियों, यह बहुत ही एक तरह से कॉमन आर्थराइटिस अब हो गई है। इसके 3-4 खास कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इसी में पाए जाते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें फ्लेयर्स उठते हैं, यानी कि आपको दर्द की लहर आती है। थोड़ी देर वो दर्द की लहर रहती, फिर आपको आराम हो जाता है। दूसरा साथियों, इसका सिम्टम है कि इसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है। जब भी आपको सूजन जोड़ों में महसूस हो, और तो आप उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जोड़ सकते हैं। तीसरी बात यह है, यह तमाम जोड़ों में सिमेट्रिकल होती, यानी इस हाथ में है तो इस हाथ में भी होगी, दोनों की साथ में होगी, जबकि ऑस्टियो में केवल एक जॉइंट लेता है, इसमें दोनों जॉइंट ले लेता है। साथ में साथियों, फीवर की स्थिति मरीज को बनी रहती है। तो यदि यह सिम्टम आप में पाए जा रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि शायद आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। इसका अंदाजा ESR और ब्लड की जांच से बहुत आसानी से हो सकता है। आप ESR की जांच करा लें, CRP की जांच करा लें, सी रिएक्टिव प्रोटीन की, आपको बहुत हद तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अंदाजा हो जाएगा। नॉर्मल ब्लड काउंट की जाँच भी आप करा सकते हैं। अब साथियों, हम लोग आते हैं कि इसको ठीक कैसे करा जाए। साथियों, अब हम लोग सबसे पहले चलेंगे उंगलियों के दर्द के बारे में, फिंगर जॉइंट्स के पेन के विषय में, जो कि बहुत परेशान करता है। इसकी 4 बहुत कारगर होम्योपैथिक दवा है साथियों। पहली दवा है एंटीम क्रूड। अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, जिसको गर्म मालिश से, गर्मी से आराम मिल रहा है, तो आपके लिए एंटीम क्रूड बहुत अच्छी दवा है। उस स्थिति में भी जब आपका पेट खराब रहता हो, जब भी आपको ये पेट खराब होने का सिम्टम हो और गर्मी से तकलीफ बढ़ने की दिक्कत हो, तो आप एंटीम क्रूड की 2-2 बूंद दिन में 3 बार जुबान पर डायरेक्टली ले लें, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके जॉइंट्स पेन को आराम मिल जाएगा। दूसरी दवा साथियों इसके लिए है लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब 30 आप 2-2 बूंद जुबान पे उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो गई हो जॉइंट्स में, और तकलीफ हो रही हो, और आपका विजन डिम हो गया हो। आपकी आईसाइट अगर डिम हो गई है, विजन डिम हो गया है, और आपको हार्ट की भी कभी कंप्लेंट रही है, तो फिर आपके लिए लिथियम कार 30 से दिन में 3 बार 2-2 बूंद लेने से अच्छी दवा नहीं हो सकती। तीसरी दवा साथियों फिंगर जॉइंट पेन की जो है, वह है कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम 30 आप दिन में 2-2 बूंद उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपका शिफ्ट हो रहा हो पेन। कभी किसी उंगली में हो रहा है, कभी किसी उंगली में हो रहा है, कल सुबह उठे तो इस उंगली में उठा, परसों सुबह उठे तो इस उंगली में उठा, जब इस तरह का शिफ्टिंग कैरेक्टर पेन का हो, तो इसके लिए कॉलोफाइलम से अच्छी दवा आपके लिए नहीं हो सकती। इसकी आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार जुबान पर डायरेक्टली ले लें, आपको बहुत आराम मिलेगा। चौथी दवा साथियों फिंगर की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, फिंगर के पेन की दवा है ग्वाइकम। ग्वाइकम को आप अगर जो है ग्वाइकम का मदर टिंचर आप 10-10 बूंद सुबह शाम यदि ले लेते हैं, उस स्थिति में जब आपके चुभन वाला दर्द हो रहा हो, आपके प्रिकिंग सेंसेशन हो रहा हो, चुभन हो रहा हो, तो ग्वाइकम इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। यह जो है आपके प्रिकिंग टाइप सेंसेशन को बंद कर देगी, आपको इस तकलीफ से आराम दे देगी। फिर साथियों दूसरी स्थिति आती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, रिस्ट में पेन है। हमारी रिस्ट में बहुत पेन हो रहा है। इसकी भी साथियों 4 बहुत कारगर दवा है जो हम आपको होम्योपैथी की बताएंगे। पहली दवा साथियों, सबसे कारगर दवा जो रिस्ट पेन में आती है, वह है एक्टिया स्पाइकाटा यानी सिमिसिफ्यूगा। एक्टिया स्पाइकाटा या सिमिसिफ्यूगा आपके जॉइंट्स पेन की बहुत अच्छी दवा है। जब आपका पेन जो है वो सूजन बहुत आ जाती हो,
बहुत सूजन के बाद दर्द होता हो, हिलाने से भी जान निकल जाती हो, तो उस स्थिति में साथियों आप सिमसिपियू का 200 दो बूंद जुबान पे 3 बार ले लें, आप अपने में बहुत राहत पाएंगे, बहुत लाभ पाएंगे और फायदा पाएंगे। दूसरी साथियों इसकी दवा है रोडोडेंड्रॉन। तूफान की तरह दर्द आया और पैदा हो गया, बहुत तेज दर्द आया और वो हमारे जोड़ों में बस गया आके और तकलीफ होने लगी, और जब तूफान आया भी, जब स्टॉर्मी वेदर में आपके पेन उठा है, बहुत हवाएं चल रही हैं ठंडी, उस समय आपके पेन उठा है, तो आप साथियों आग बंद करके रोडोडेंड्रॉन 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम ले लें, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। तीसरी साथियों इसी रिस्ट की रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवा आती है कोल्चिकम। कोल्चिकम 30 साथियों रिस्ट पेन की बहुत अच्छी दवा है। जब आपको मुट्ठी बंद होने में जान निकल जाए, तकलीफ शुरू हो जाए, जब आप मुट्ठी बंद करें, आपको बहुत पेन हो, इस स्थिति में साथियों कोल्चिकम से अच्छी दवा नहीं हो सकती। फिर साथियों इसकी एक चौथी बहुत अच्छी दवा है फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा साथियों जॉइंट्स पेन की बहुत अच्छी दवा है। जब आपके हाथों में नमनेस यानी सुन्नपन आने लगे, हाथ उंगलियां सुन्न हो गई, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है रिस्ट में कि उंगलियां सुन्न हो गई, अगर आपको ये नमनेस की स्थिति आपके फिंगर्स में जॉइंट्स में महसूस हो, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा 30 आप दिन में 2 बूंद जुबान पर डायरेक्टली ले लें, तो आपका उंगलियों का पेन और उसका सुन्नपन दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर साथियों हम लोग आते हैं जो ज़्यादातर लोगों को तकलीफ होती है नी पेन की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस नी में हो और फिर पेन हो रहा हो, उसकी 5 बहुत कारगर दवाएं हैं साथियों, मैं आपको बताता हूँ। पहली दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स के मरीज में चलने से उसको आराम मिलता है और बैठने से उठने से तकलीफ बढ़ती है। जब आपकी यह स्थिति हो कि बैठकर उठने से तकलीफ बढ़े और फिर चलने से आगे थोड़ा आराम मिल जाए, तो आपके लिए रस्टॉक्स 1 mg पावर में 2 बूंद दिन में 3 जुबान पे लेने से अच्छा विकल्प नहीं हो सकता, उससे अच्छी दवा नहीं हो सकती। तो यदि आपके जॉइंट्स में पेन है, जब आपको चलने से आराम मिलता है और बैठने उठने में तकलीफ होती है नी में, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की उस स्थिति में सबसे अच्छी दवा रस्टॉक्स 1 mg पावर में है। इसको आप 2 बूंद दिन में 3 ले लें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी दवा साथियों ब्राइनिया 30। ब्राइनिया बहुत कारगर दवा है। इसको 30 पावर में आप 2 बूंद दिन में 3 उस स्थिति में ले लें जब आपकी चलने से तकलीफ बढ़ती है। आप चलते हैं तो आपकी तकलीफ बढ़ने लगती है उस स्थिति में, और बैठने से आराम मिलता है, तो उसकी दवा है ब्राइनिया। ब्राइनिया 30 2 बूंद दिन में 3 आप ले लें। इसी दवा साथियों इसकी बहुत कारगर है कैल्केरिया कार्प। कैल्केरिया कार्प 30 2 बूंद आप दिन में 3 जुबान पे उस स्थिति के जॉइंट्स पेन में, घुटने के दर्द में, नी पेन की स्थिति में ले लें जब आपको सर पे पसीना बहुत आता हो और आप थोड़े मोटे फेयर फैट एंड फ्लैबी हों, महिलाएं थोड़ी गोरी मोटी और थोड़ा सा उनमें फैट ज़्यादा हो, उस स्थिति में हो, और जिनको ठंडे पानी से तकलीफ पड़ती हो, जैसे कपड़े धोए घुटनों में दर्द शुरू हो गया, पानी से जब तकलीफ पड़ती हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा साथियों कैल्केरिया कार्प 30 है। इसको आप दिन में 3 ले लें, आप बहुत लाभ पा जाएंगे। फिर साथियों इसकी बहुत अच्छी दवा है कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम 30 भी आप दिन में 3 घुटने के दर्द के लिए ले सकते हैं, जब बहुत शूटिंग टाइप पेन हो रहा हो, बहुत तेज दर्द हो रहा हो, तब आप इस दवा को ले सकते हैं। यह आपके नी पेन के में बहुत आराम देगी। फिर साथियों एक और दवा इसकी बहुत अच्छी है साथियों, जब आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा हो, जिसको कि कहते हैं फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा आप जो है उसको आप दिन में 3 नी जॉइंट की स्थिति में भी ले ले, आपको बहुत आराम मिलेगा, लाभ आपको मिलेगा। फिर साथियों हम लोग आते हैं अब पेन के कैरेक्टर के हिसाब से कैसे हम लोग अपनी दवा को बाइफर्केट कर सकते हैं। ये साथियों एक जानकारी है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो आप एक एनालिसिस कर लें कि आप सही जगह पहुंचे हैं कि नहीं, और थोड़ा आपको दवाओं का अंदाज़ा हो, वो सुनी हुई हो, ऐसा हम बार बार कहते हैं, तो ये जानकारी के लिए कार्यक्रम है। तो इसीलिए हम आपको सही जो होम्योपैथी का समागम को, होम्योपैथी के रूप को समाहित करके दवा को बता रहे हैं, बजाय कि ऐसे ही 5 नाम आपको दवा के बता देना। एक कंप्लीट नॉलेज ज़्यादा बेटर होती है अधूरी नॉलेज से। तो साथियों
अब आता है पेन का कैरेक्टर, शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ पेन। पहला जो कैरेक्टर पाया जाता है, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द। तो यह शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ पेन में साथियों बहुत अच्छी दवा है पल्सेटला। पल्सेटला 30 दो बूंद यदि आप दिन में 3 बार वो मरीज ले लें जिनको प्यास कम लगती हो या प्यास न लगती हो, और उनके इस तरह का पेन हो कि कभी इस दर्द में जोड़ में दर्द, कभी इस जोड़ में दर्द, तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए पल्सेटला 30 दो बूंद जुबान पे रखने लेने से अच्छी दवा नहीं है। दूसरी दवा साथियों इसी सिलसिले की है कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम 30 दो बूंद आप दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब भी दर्द हो रहा हो, बहुत टियरिंग टाइप हो रहा हो, बहुत तेज हो रहा हो, उस स्थिति में साथियों बहुत अच्छी दवा है कॉलोफाइलम। फिर साथियों इसकी अगली दवा है फाइटोलक्का डिकैंड्रा। फाइटोलक्का डिकैंड्रा आप इसका मदर टिंचर ले सकते हैं या पोटेंसी में ले सकते हैं। पोटेंसी ले तो 30 ले लें दिन में दो बूंद दिन में 3 बार, और अगर मदर टिंचर ले रहे हैं तो 20 ड्रॉप 2 टाइम्स ले लें। उस स्थिति में जब आपका शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ पेन हो रहा हो और उसको दबाने से आराम मिलता हो, जब आपके पेन हो रहा है प्रेस करें तो आपको आराम मिल जाता है, तो आपके लिए बहुत अच्छी दवा है फाइटोलक्का डिकैंड्रा। चौथी दवा साथियों आपके रिस्ट शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ पेन के लिए है कालमिया। कालमिया 30 दो बूंद आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपका पेन जो है वह उसको रबिक करने से आराम मिलता हो, उसको मालिश करने से, मलने से उस पेन में आराम मिलता हो, वो शिफ्ट कर रहा हो जॉइंट्स को, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है कालमिया। इसका कालमिया 30 आप दो बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार जुबान पे ले लें, आपको जॉइंट्स पेन में बहुत आराम मिलेगा। फिर साथियों एक स्थिति और आती है जब सूजन आ गई, जोड़ों में सूजन बहुत ज़्यादा आ गई। हालांकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों की सूजन का नाम है, लेकिन जब एक्सेप्शनल सूजन आपके जोड़ों में आ गई, लाली आ गई, गर्मी आपको महसूस होने लगी जोड़ में, उस स्थिति में साथियों 4 बहुत कारगर दवा है। पहली है एपिस। एपिस 30 दो बूंद दिन में 3 बार वो मरीज ले सकते हैं जिनको बिल्कुल प्यास ना लगती हो और अचानक बहुत तेज सूजन हो गई हो, हिलाने तक से तकलीफ पड़ रही हो, उस स्थिति में एपिस 30 आप दो बूंद दिन में 3 बार जुबान पे ले लें, आपका जो है इन्फ्लेमेशन सूजन जोड़ों की कम हो जाएगी, लाली कम हो जाएगी और आप राहत पा जाएंगे। फिर साथ ही उसकी दूसरी दवा आती है आर्निका। आर्निका 1 mg दो बूंद दिन में 3 बार आप सुबह दोपहर शाम उस स्थिति में जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन के लिए ले सकते हैं जब आपको ब्रूस फीलिंग हो, जैसे बहुत मारा गया, उसकी सूजन आ गई और दर्द हो रहा है, जब इस तरह का कसाव वाला दर्द हो, तो जो है इसके लिए आर्निका 1 mg पावर में दो बूंद दिन में 3 बार लेने से जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन किया इससे अच्छी दवा नहीं हो सकती, तो आप आर्निका 1 mg ले सकते हैं। फिर साथियों इसकी अगली दवा आती है स्ट्रिक्टा। स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया। स्ट्रिक्टा 30 पावर में दो बूंद आप दिन में 3 बार तब ले लें जब आपको प्रेशर से आराम मिलता हो, दबाने से आराम मिलता हो और वहाँ सूजन बहुत ज़्यादा आ गई हो, चाहे वो छोटे जोड़ों में हो, चाहे वो इस जोड़ में हो, चाहे वो नी जोड़ में हो, किसी भी जोड़ में हो, अगर स्वेलिंग आ गई है तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है स्ट्रिक्टा। इसको आप इस्तेमाल करें, आप लाभ पाएंगे। उसके बाद साथियों इसकी चौथी बहुत अच्छी दवा है जब इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसकी बहुत अच्छी दवा है एक्टिया स्पाइकाटा। या 30 पावर में दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लें। यह स्पॉन्डिलाइटिस की भी बहुत अच्छी दवा है जब आपके शोल्डर मसल्स का पेन हो रहा हो, यह भी एक तरह की आर्थराइटिस ही होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, उसमें भी आप ले सकते हैं। लेकिन आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो उसमें शिफ्टिंग कैरेक्टर के पेन इन्फ्लेमेशन को लेके बहुत अच्छी दवा है एक्टिया स्पाइकाटा यानी सिमिसिफ्यूगा। दोनों एक ही दवा के दो नाम है, आपको जिस नाम से स्टोर पे उपलब्ध हो जाए इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये दोनों एक ही नाम है। फिर साथियों एक तीसरा एक कंडीशन आती है जब स्टिफनेस बहुत है, आपके जोड़ों में कसाव बहुत हो गया है, बहुत कस गए हैं जोड़, तो साथियों इस स्थिति की सबसे अच्छी दवा जब जोड़ों में कसाव आपको महसूस हो रहा है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स 1 mg आप दिन में 3 बार दो बूंद जुबान पे ले लें तो आपकी जॉइंट्स की जो स्टिफनेस है वो चली जाएगी, रस्टॉक्स के पेशेंट को चलने से आराम मिलता है।
तो आप जो है रस्टॉक्स ले लें, आपको बहुत फायदा होगा। साथियों, इसकी दूसरी बहुत अच्छी दवा आती है कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम 200 आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम दो दो बूंदों से स्थिति में भी ले सकते हैं। आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा होगा। फिर साथियों, इसकी एक और दवा जो कि आपका स्टिफनेस को दूर करने के लिए दवा है, वह है ग्वाइकम। अगर आपको जॉइंट्स में स्टिफनेस हो रही है तो आप ग्वाइकम 30 ग्वाइकम का मदर टिंचर 20 ड्रॉप 2 टाइम्स सुबह शाम, सुबह खाली पेट रात में सोते वक्त अगर पीना शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके जॉइंट्स की स्टिफनेस जो है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसके एक और दवा साथियों स्टिफनेस के लिए है, वह है कुलचिकम। कुलचिकम 30 भी आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम दो दो बूंद ले सकते हैं। आपको बहुत लाभ होगा जॉइंट्स पेन की स्टिफनेस को ख़त्म करने में। अब साथियों, एक हम लोग इन दवाओं को ऐसे बांट लेते हैं कि बुजुर्ग लोगों को, ओल्डर लोगों को तकलीफ है और जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आ रही है, ग्रेन्यूल्स इकट्ठा हो गए हैं, यूरेट के क्रिस्टल इकट्ठा हो गए हैं, उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, ऐसे कैरेक्टर सामने आते हैं, तो हम लोग के बुजुर्ग माताओं बहनों और महिलाओं के लिए साथियों बहुत अच्छी दवा इस लिहाज से है, वह है मेडोराइनम। आप मेडोराइनम 200 पावर की 2 बूंद हर हफ्ते जुबान पे, एक मान लें संडे बना लेते हैं, हर संडे को आप 2 बूंद जुबान पे अगर मेडोराइनम 200 पावर में डाल लेते हैं तो हमारी जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं उनको जो है वह आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस में बहुत आराम मिलेगा। जहां भी सप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज हो, मेनोपॉज हो गया हो, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीशन कम हो गया हो जिसके कारण मेनोपॉज होता है, उस स्थिति में आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प मेडोराइनम है। दूसरी दवा साथियों ओल्ड एज पीपल के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, वह है ग्वाइकम। आप ग्वाइकम का मदर टिंचर उस स्थिति में भी ले सकते हैं जब आप ओल्ड हो गए हों, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और तीसरी दवा साथियों एसिड बेंजोइकम। आपके नोड्यूल्स बन गए हैं, यूरेट के क्रिस्टल इकट्ठा हो गए, यूरिक एसिड की कभी आपकी हिस्ट्री बढ़ी होने की रही है, तो उस स्थिति में साथियों ग्वाइकम बहुत अच्छी दवा है। आप ग्वाइकम एसिड बेंज बहुत अच्छी दवा है। आप एसिड बेंज 30 का 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार जुबान पर ले लें, आपके नोड्यूल्स भी घुलने लगेंगे और आप रूमेटाइड आर्थराइटिस में आपको बहुत आराम मिलेगा, हमारे ओल्ड एज पीपल को बहुत आराम मिलेगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है जुविनाइल आर्थराइटिस, जुविनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बच्चों को आर्थराइटिस हो गई, बच्चों को जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। अगर साथियों ऐसी कोई स्थिति है तो उसकी सबसे अच्छी दवा एब्रोटेनम है। एब्रोटेनम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जिनको अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया होता है, यानी कभी उन्हें कब्ज रहती है, कभी उन्हें डायरिया हो जाता है, कभी उन्हें कब्ज रहती है, कभी उन्हें डायरिया हो जाता है। इस स्थिति की सबसे अच्छी दवा बच्चों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एब्रोटेनम है। एब्रोटेनम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप बच्चों को दे सकते हैं। आप देखेंगे साथियों की करिश्माई फायदा होगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर साथियों बच्चों के लिए एक और बहुत अच्छी दवा है नेट्रम फॉस। अगर उनके जॉइंट्स में पेन हो रहा है बच्चों के, चिल्ड्रेन के जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के तहत, तो उनके लिए बहुत अच्छी दवा नेट्रम फॉस है। इसको आप 6x पावर में 4 गोली सुबह 4 शाम बच्चों को गुनगुने पानी में दे सकते हैं, उनका जॉइंट्स पेन खत्म हो जाएगा। फिर साथियों एक और बहुत कॉमन आर्थराइटिस समय सोरियाटिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस साथियों आजकल बहुत प्रेवलेंट है, सोराइसिस की बीमारी उसी का एक कड़ी है सोरियाटिक आर्थराइटिस। इसके लिए साथियों सल्फर बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी को सोरियासिस है, उसके जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया है, तो आप सल्फर दे सकते हैं। सल्फर दवा का आप 1 mg पावर में हर हफ्ते मरीज को दे दें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और उससे जोड़ों का दर्द कम होगा। दूसरे साथियों इसी की बहुत अच्छी दवा है रेडियम ब्रोम। रेडियम ब्रोम 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार सोरियासिस का पेशेंट जिसको कि जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया हो, सोरियाटिक आर्थराइटिस हो गया हो, उसको आप रेडियम ब्रोम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे दें, आप देखेंगे उसके पेन में बहुत कमी आ जाएगी। ये साथियों कुछ बहुत कारगर होम्योपैथिक दवाएं थीं जो आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए थीं। एक वीडियो हमने डाला है जिसमें हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस की दवाओं का भी जिक्र करा है, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ में इसी चैनल पर होम रेमेडीज़ का भी वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप घरेलू नुस्खों को लाभ लेना चाहें तो आप
हमारा इसका जो है आर्थराइटिस का होम रेमेडीज का भी वीडियो देख सकते हैं। एक नुस्खा हम आपको साथियों बताना चाहेंगे, अगर हमारी किन्हीं भी माताओं बहनों के जोड़ों में दर्द है तो उनके बहुत जादुई नुस्खा, उनका साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया है, मेम्ब्रेन सूख गई है, हड्डियाँ घिस रही हैं, कटकट बोल रही हैं, उस स्थिति में साथियों आप पारिजात यानी हरसिंगार का पेड़ आता है उसकी 12 पत्तियाँ ले लें, उसको आप जो है पानी में उबाल लें, जब एक गिलास का पानी आधा गिलास पानी रह जाए तो उस पानी को आप पी लें। ऐसा प्रोसेस आप 90 दिन तक लगातार करें, आप देखेंगे कि इसकी बहुत संभावना है कि आपका साइनोवियल फ्लूइड दोबारा बन जाएगा और आपके जोड़ों में बहुत आराम मिल जाएगा। साथियों यही कुछ जानकारी थी जो आपके लिए थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के संबंध में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट पोर्शन में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। हमें खुशी होगी कि आपके हम संतोषजनक और कारगर और इफ़ेक्टिव जवाब दे सकें जो आपके काम आए। ये साथियों आयंस इंडिया होम्योपैथी और डॉक्टर उमंग खन्ना का एक प्रयास था आपके सामने सही तथ्य लाने का, सही दवा लाने का और सही तरीके से लाने का। यदि आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो का मकसद यही है कि आप कभी भी किसी डॉक्टर को दिखाएं तो आपको अपने शरीर के बारे में और कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानकारी हो, ताकि आप जो हमारे बहुत छोटी बस्ती में कहीं गांव में लोग बैठे हैं उनको भी सही दवाओं की जानकारी उन तक पहुंच पाए। इसलिए यह डॉक्टर उमंग खन्ना और आयंस इंडिया होम्योपैथी का एक प्रयास था। आपसे वीडियो को लाइक करने, वीडियो को शेयर करने और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने की अपेक्षा है। धन्यवाद।